अरक्को वैली में आप सभी का स्वागत है। आपका भी। तो गाइस देवमाली को हमने एक्सप्लोर कर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं अराकू वैली की तरफ। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है अराकू वैली और यहाँ भाई मिले, बहुत ही मज़ा आया उनसे बात करके। उन्होंने काफ़ी कुछ हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमें काफ़ी कुछ बताया। और ये देखिए गाइस यहाँ का व्यू देखिए, सामने बहुत ही प्यारी जगह यार। और ये सामने आप माउंटेन देख पा रहे होंगे। आज धुंध कोहरा छाया हुआ है, आज बादल आए हुए हैं। अगर धूप क्लियर होती तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिलता। ये रास्ता देख लीजिए, यहाँ से जाएंगे हम नीचे। तो अराकू वैली के लिए वापसी नीचे ही उतरना पड़ेगा पूरा। और एक मार्केट आई थी नीचे जहाँ से हम लेफ्ट टर्न किया था, तो वापस उसी जगह जाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे नेटवर्क आता नहीं है तो गूगल से हमें नहीं पता चल रहा, तो हमने तो भाई से पूछा है उनसे, तो उन्होंने बताया कि आपको वापसी नीचे जाना पड़ेगा और नीचे पता करना पड़ेगा। आज व्यू काफ़ी धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, वरना तो बहुत एक ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ केले की खेती हो रही है, ये देखिए सारा केले के बागान। तो देवमाली के लिए यहाँ से हमने लेफ्ट एंटर किया था, यहाँ से हम अंदर आए थे। और ये मार्केट है, सब्जी मंडी लगी हुई है। तो गाइस अभी लगभग 65 किलोमीटर और रह गया है अराकू वैली, और ये कोई छोटा सा गांव आया है, विलेज है। और यहाँ पे हमने अभी कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है और कुछ खाने पीने का ऑर्डर दिया है। काफ़ी भूख लग रही है, 2 बज चुके हैं और सुबह जो ब्रेकफास्ट खाया था तो बहुत ही हल्का था, तो अभी दोबारा 2 बजे फिर भूख लग गई है बहुत तेज़, सर भी भारी हो रहा है। तो मैं सोच रहा कुछ खा पी के निकला जाए आगे, तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है हमने मंगाया है। तो ये वड़ा भाजी है, तो उसका कम्बिनेशन है, साथ में कुछ सब्जी डाली है, तो अभी इसको खाते हैं पहले। तो खाना पीना हुआ और कॉफ़ी पी ली है, निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर जो है यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 22 किलोमीटर बाद आंध्र प्रदेश शुरू हो जाएगा। अभी आर्मी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, तो आई थिंक ये नक्सल अफेक्टेड एरिया है। आंध्र और उड़ीसा का जो बॉर्डर है वो काफ़ी नक्सल अफेक्टिव एरिया है, तो यहाँ पे बाइक पे आर्मी पेट्रोलिंग करती है। दोनों के पास गन है। अभी कम से कम 10 बाइक जा चुकी हैं पेट्रोलिंग करती हुई। हमें पहले भी बताया कि यह पूरा नक्सल इफेक्टेड एरिया है और हम नक्सल एरिया से निकल रहे हैं। और अब एक विद इन 1-2 किलोमीटर के बाद हम आंध्र प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। 1 घंटा 13 मिनट है अराकू वैली के लिए। तो गाइस हम आए थे ऊपर से कोरापुट से, ये ऊपर से रास्ता आता है और मैंने जाना था राइट को यहाँ से, और मैं निकल गया सीधा। तो तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जाके फिर वापसी आए, 10 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर का फटका लग गया मेरे को, वे मतलब का ज़्यादा समय वेस्ट हो गया मेरा, तकरीबन आधा घंटा अभी तक मैं पहुंच जाता 20 किलोमीटर, थोड़ा सा ही तो रह गया था। पता नहीं सड़क पे ध्यान था मेरा, गूगल पे ध्यान नहीं गया और बातों बातों में मैं आगे सड़क देखता देखता मैं आगे ही चला गया। एकदम ध्यान आया गूगल जब बोलने लगा टेक यू टर्न। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, उम्मीद भाई तो बहुत पहुंच गए होंगे लगा मुझे। तो अराकू वैली का ये रास्ता है जहां से हम जा रहे हैं, और बॉर्डर से पहले ये रास्ता कटता है राइट को। Baby left,
देखिए गाइस, ला रास्ता देखिए, मुझे तो भूल भुलैया लग रही है, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, ना अमित भाई का पता चल रहा है, ना रकू वैली का पता चल रहा है। चले जा रहे हैं गूगल भाई भाई, 41 मिनट्स पे खास स्टॉप हो गया है, आगे कुछ टाइम दिखाई नहीं रहा। ऊपर से तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है वैली, ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है पूरी, अब लग रहा है ऑफ रोडिंग है अब तो। अब मुझे पता नहीं मैं सही भी जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, हद यार, अब डर लगने ही लगा है। क्या खड़ी ढलान है, ओह हो, क्या रास्ता है यार ये, तो मैं समझ नहीं आ रहा, इतना खतरनाक रास्ता। राकू वैली है क्या वैली है। तो गाइस आज हमारी राइड का डे 5 है और अराकू वैली को हमने एक्सप्लोर करना है, जो कि देवमाली से जस्ट 70 किलोमीटर है। तो ये इटिनरी में हमारे नहीं था, तो काफ़ी फ्रेंड्स के हमारे को मैसेज आए, फ़ोन आए कि भाई इतना करीब हो गए, अराकू वैली ज़रूर जाना, तो आप बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। आखिरकार हम पहुंच गए हैं अराकू विलेज, अराकू वैली में। ये है अराकू का विलेज और पीछे साइन बोर्ड लिखा हुआ था राकू का। अब अपने भाई, अपने मीत भाई को फोन करते हैं। हेलो प्रदीप भाई जी। हाँ जी। तो अब मैंने आपको लोकेशन भेज दी अपनी, और मैंने आपको वो, अगर आप गूगल पे लिखोगे इतना तारा कंफर्ट, तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ आपकी वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। तो HP के पेट्रोल पंप से पेट्रोल फुल करवा लिया है 950 रुपये, और यहाँ पे जो प्राइस है 95 समथिंग है। तो सबसे कॉस्टली जो पेट्रोल डलवाया मैंने यहाँ से डलवाया 95 में। 4:30 बज चुके हैं शाम के, कोरापुट से हम आए हैं कृष्णा तारा कंफर्ट। तो हम पहुँच गए हैं कृष्णा तारा कंफर्ट रिसोर्ट में। हाय, हाउ आर यू? बड़ी खतरनाक। हाँ मैं भी सोच रहा हूँ, मैं कहा यार गलत तो नहीं आ गया है, हाँ मैंने कहा गलत रास्ते पे आ गए हम तो, गूगल भी काम करना। हैं? हाँ बीच बीच में नहीं है, वो नेटवर्क नहीं था बीच में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं अराकू वैली में और हमने चेक इन कर लिया है, और कृष्णा तारा कंफर्ट एक रिसोर्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने रूम ले लिया है। मैं रूम दिखा देता हूँ, ये है नॉन एसी रूम, तो ये देख लीजिए, ये है हमारा आज का रूम, आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे। और इसका प्राइस मैं बता दूँ, मैं 1500 रुपये कोट किया था विद ब्रेकफास्ट, तो मीत भाई ने 1200 में विदाउट ब्रेकफास्ट इसको फाइनल किया था। और एसी रूम का प्राइस है 2500 रुपये, यहाँ बड़े कॉस्टली रूम्स हैं। तो मौसम तो बहुत ठंडा है, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रात को कंबल लेके सोना पड़ता है, तो एसी की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इतने पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अमित भाई से बात करता हूँ, अगर हम एग्री हुए तो आज एक्सप्लोर करते हैं, नहीं तो आज पूरा रेस्ट करेंगे, कल फिर हम अराकू वैली को एक्सप्लोर करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार subscribe my channel, take your soup baby left then I get to take off, take your soup baby left there's a bit of a show, take your soup baby left then I get to take off। तो गाइस अभी हम हैं अराकू की मार्केट में और मीत भाई और हम दोनों आए हैं यहाँ पे मार्केट के नज़ारे लेने। तो ये मेन मार्केट है, तो अभी हम बम्बू चिकन लेने आए हैं, यहाँ का फेमस बम्बू चिकन है, और ये पीछे स्वीट शॉप है, बेकरी एंड स्वीट शॉप, तो ये भी यहाँ पे स्पेशलिटी है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अलग तरह की मिलती हैं। तो साथ में ही है ट्राइबल म्यूज़ियम। तो गाइस ये मेरे पीछे है अराकू का ट्राइबल म्यूज़ियम, तो सुबह हमने देखा था उड़ीसा का ट्राइबल म्यूज़ियम, और अभी हम देखने जा रहे हैं जो आंध्र प्रदेश AP आंध्र प्रदेश का ट्राइबल म्यूज़ियम, जो कि है अराकू वैली में। तो 7 बजे तक टाइमिंग है यहाँ पे, तो आज अभी हमारे पास समय है, तो हम जा रहे हैं देखने अराकू का ट्राइबल म्यूज़ियम। तो इसकी एंट्री टिकट है 40 रुपये एडल्ट और 20 रुपीज़ चाइल्ड का, ये पीछे मेरे लिखा हुआ है।
और ये मेरे पीछे टिकट काउंटर। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं ट्रैवल म्यूजियम में। तो गाइस ये गाइड व्यू दिया गया है, तो जहाँ से हम चलेंगे तो पहले आएगा कॉफ़ी प्लांटेशन, उसके बाद आएगा व्यू पॉइंट आगे जाके, और उसके बाद है वाटरफॉल, और फिर है बोरा केव्स। ये ट्रेन की टनल है, ऊपर रास्ता बना हुआ है, यहाँ से निकलेंगे बोरा केव टू केके लाइन। और ये लेक है, सबसे पहले लेक आती है, ये बोट बीच में। चौम्पी क्राफ्ट विलेज, अरे सर ये तो जाने वाली चीज़ है, 3 किलोमीटर में क्राफ्ट विलेज है, चौम्पी क्राफ्ट विलेज। फिर वाटरफॉल है, चंपारे वाटरफॉल, 2 वाटरफॉल है। यहाँ की ट्राइबल म्यूज़ियम है उसको हमने एक्सप्लोर कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं बम्बू चिकन और अच्छे मौसम का एंजॉय लेने अराकू, और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो रही है, तो आई थिंक गोना हैव अ वेरी गुड टाइम। यस, तो अब जाके बस खाना पीना खाएंगे, जल्दी सो जाएंगे, और सुबह हम जल्दी उठने की कोशिश करेंगे और जल्दी निकलेंगे। कल का दिन बहुत ही लंबा है, हार्ड होने वाला है, हेक्टिक है, हेक्टिक है, और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है कल, और वापसी उड़ीसा भी जाना है। वापसी घर भी जाना है। तो अभी आपको बम्बू चिकन दिखा देते हैं एक बार। भाई ये देखिए, ये है बम्बू चिकन, और ये बम्बू के अंदर इसको पकाया जाता है, पहले कुछ मैरिनेट करके फिर पकाते हैं, उसके बाद ये गर्म करते हैं इसमें बम्बू में। अच्छा, ऑयल फ्री है। मीत भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं बम्बू चिकन। ये पहले कुछ इन्होंने पत्ते भरे हैं, पत्ते भरे हुए हैं गरम रखने के लिए इसको, और अब आया है चिकन, तो अपन थोड़ा सा टेस्ट के लिए निकाल रहे हैं अभी, बाकी तो ये एक बम्बू में हाफ के जी होता है, एक बम्बू में हाफ के जी, और गर्मा गर्म अभी भी धुआं उठ रहा है एकदम। ये देखिए, ये मसालेदार बम्बू चिकन, और ये हेल्दी चिकन होता है, इसमें ना ऑयल होता है, ओनली मसाला विद चिकन। जबरदस्त अमेजिंग, मसाले बैलेंस्ड, मस्ट ट्राई। अराकू आओगे ये जरूर खाना है। ये ट्राइबल म्यूजियम के बगल में एक दुकान लगती है छोटी सी, उसका बहुत मशहूर है। एंड सर ये बताओ खा के कैसा है? वाह, एक नंबर, एक नंबर। तो गाइस रात के बज चुके हैं 8 और हम कर रहे हैं डिनर। हमने बम्बू चिकन मंगाया था, और एक नंबर का बम्बू चिकन है यार, मज़ा आ गया खा के। और साथ में हमने फ्राइड राइस मंगाए हैं, एक चपाती है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, ये है बम्बू चिकन, साथ में फ्राइड राइस, और ये चपाती। तो ये हमारा हो रहा है डिनर, हम कर रहे हैं डिनर, और आप भी जो करना करो हमें बख्शो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ यार, कल का जो व्लॉग आने वाला है वो बिल्कुल कत्ल आने वाला है यार, जरूर देखना। हम जाएंगे बोरा केव, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी केव है, देखने लायक केव है, और उसका जो यहाँ से अराकू वैली से केव का रास्ता है, उसके बीच में का व्यू है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, और व्यू पॉइंट है, वाटरफॉल है, इतने मतलब कि अल्टीमेट नज़ारे हैं यार। वैसे तो सारे ब्लॉग देखना, लेकिन कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, मेरे साथ बने रहना पूरी सीरीज में। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उड़ीसा, और बीच में ये नियरेस्ट प्लेस था तो हमने अराकू वैली को भी एक्सप्लोर किया है। तो कल की राइड के लिए एनर्जी अभी से हम भरपूर ले रहे हैं, एंड कल हम आपको बहुत ही अमेजिंग जगह लेके जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून गाइस एंड कीप वॉचिंग एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया। तो गाइस एट लास्ट, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा।